उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा और इस इंफॉर्मेशन को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं आज। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर और अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के एप्लाचियन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक द्वापर युग की कल्पना पर आधारित अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा हिंदू गांव, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के इस हिंदू गांव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। और जब अमेरिका में विंटर सीजन होता है तब इस गाँव की सुंदरता कुछ ऐसी होती है। और क्यों आप में से ज्यादातर लोगों को इस गांव के बारे में अभी तक पता ही नहीं था। पर दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो की रीच को इंक्रीज करने के लिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस गाँव का नाम है न्यू वृंदावन, जो मौजूद है अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया की बहुत ही सुंदर एप्लाचियन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। और भारत से बाहर जितने भी हिंदू गांव की हमने बात की है उन सभी में ये गांव सबसे बड़ा और सबसे पहले बनाया गया था। इस गांव का टोटल एरिया लगभग 2500 एकड़ का है, जिसमें मौजूद है पुराना और नया नंदग्राम वैदिक स्कूल, वर्ण आश्रम वैदिक कॉलेज, गोवर्धन गौशाला, गोविंदास रेस्टोरेंट, गोवर्धन डायरी, सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन, योगशाला, श्री श्री राधा वृंदावन मंदिर, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की बहुत ही सुंदर मूर्तियां, बिगेस्ट रोज गार्डन और स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर और करोड़ों यूएस डॉलर की लागत से बनाया गया पैलेस ऑफ गोल्ड यहां पर बनाया गया है, जिसको देखकर सनातन के प्राचीन समय की याद आ जाती है। और जब ये गांव बनाया गया था तब इसको केवल 133 एकड़ ही लैंड मिल पाया था, पर अगर आज की बात करें तो आज ये गांव लगभग 2500 एकड़ तक फैल चुका है। और इसी तरह से अमेरिका में मौजूद ये हिंदू कम्युनिटी आगे भी इस गांव को फैलाती जा रही है वेस्ट वर्जीनिया में और ज्यादा लैंड को खरीद कर। तो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इस गांव को किसने और क्यों बनाया था। तो दोस्तों, द्वापर युग की कल्पना पर आधारित ये गांव बनाया गया था आज से लगभग 54 साल पहले, यानी कि सन 1968 में भगवान श्री कृष्ण जी के एक सच्चे अमेरिकन भक्त के द्वारा ये गांव बनाया गया था, जिसका नाम था केथ गोल्डन हैम, पर ये इनका जन्म का नाम था। बाद में इन्होंने सनातन धर्म को अपनाकर अपना नाम कीर्तनंद स्वामी रख लिया था, जिसका अर्थ होता है कि जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करता रहता हो। दोस्तों, कीर्तनंद स्वामी ने इस हिंदू गांव को द्वापर युग के 5 प्रमुख तत्वों को आधार मानकर बनाया था, जिसमें पहला तत्व है गौ माता का संरक्षण करना, सख्त शाकाहारी होना और स्थानीय जैविक कृषि करना। दूसरा तत्व है सादा जीवन जीना। तीसरा तत्व है अमेरिका के इस गांव में भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ स्थल बनाना। चौथा तत्व है गांव में रहने वाले हिंदुओं को सनातन की आध्यात्मिक शिक्षा देना, जिसके लिए वैदिक स्कूल्स यानी कि गुरुकुल खोलना। और पांचवा और सबसे मुख्य तत्व है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और भगवत गीता पढ़ना। और इसके लिए स्वामी कीर्तनंद ने अपने अमेरिकन साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में 133 एकड़ लैंड खरीदकर सनातन के इस गांव की नींव रखी थी। और आज ये इनका गांव हजारों एकड़ तक एक्सपेंड हो चुका है। दोस्तों, स्वामी कीर्तनंद इस्कोन के फाउंडर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शुरुआती शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने स्वामी प्रभुपाद जी का अमेरिका में एक हिंदू इको विलेज बनाने का सपना सच किया था, जिसके कारण अमेरिका में एक हिंदू गांव बन पाया है, जहां पर हर एक हिंदू त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और खुशी की बात तो ये है कि इस गांव में हिंदू त्योहारों पर पत्थर मारने वाले विशेष लोग दूर दूर तक यहां पर मौजूद ही नहीं है, जिससे इस गांव के शांत वातावरण में जब हिंदू त्योहारों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मनमोहक झलक दिखाई देती है तो तब ऐसा लगता है कि मानो हम 5000 साल पहले द्वापर में पहुँच गए हों।
और दोस्तों जैसे हंगरी में मौजूद हिंदू गांव को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, वैसे ही अमेरिका में मौजूद इस गांव को देखने के लिए हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं, जिससे अमेरिका में न्यू वृंदावन हिंदू गांव की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। काफी बड़ा है यार ये जगह। हेलो, जय श्री कृष्ण। Virginia, Maryland. You guys? Rockville? Rockville. No, I was born in Maryland. Oh. I don't go back. 20 years I haven't been back to Maryland. Oh. Everyone in Maryland, the people. This is New Brindavan. New Brindavan. Yeah, see? This is New Brindavan. Yeah. You're not your first time here. This is the first time we're coming here. Do you know tomorrow there's a festival here? Tora Theatra, so we celebrate, right? It just happened. Also the dancing. The Sambalpuri dance. Yeah. It was nice meeting you. So you're going to stay here or like... No, we're staying nearby in a hotel. We got a hotel for the... Okay. So we're the rest, huh? Yeah. Dekha ho. Okay, thank you. और यहाँ पर सबसे विशेष और एक वैदिक आर्किटेक्चर का नमूना है यहाँ पर मौजूद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का पैलेस ऑफ गोल्ड, जिसको बहुत ही बारीकी के साथ और करोड़ों यूएस डॉलर की लागत से बनाया गया है। इसको उनके ही डिओटीज के द्वारा, जिन्होंने इस टेंपल को बनाने के लिए हर एक स्किल में बेहतरीन होना पड़ा था। पर दुख की बात तो ये है कि 24 अक्टूबर साल 2011 में भारत के थाने में स्वामी कीर्तनंद केवल 74 साल की उम्र में इस भौतिक दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में विलीन हो गए। पर इस्कॉन के माध्यम से दिया गया इनका ये महान काम हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों ये था अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद नया वृंदावन। तो आज की इस वीडियो में तो गाइस ये था आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक विलेज, जो के अमेरिका जैसे कंट्री में सोचा जा सकता है कि एक न्यू वृंदावन एक इंडिया में है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक मजहबी जिसको विलेज बोला जाता वैसा है। तो एक न्यू वृंदावन भाई हमने देखा कि एक अमेरिका में भी देख लिया, जहाँ पे सभी लोग मतलब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया, उनका ना एक विलेज है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए लगा के एक टेम्पल भी रेडी किया गया है, जहाँ पे लोग भक्ति करते हैं कृष्णा जी को। जैसे कि मैंने पूरा बताया था कि कृष्णा जी को मानने वाले पूरी दुनिया में ना बहुत ज्यादा लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और अमेरिका में भी खास तौर पे उनको माना जाता है। और फिर मतलब पूरे का पूरा एक सिस्टम होता है ना, जैसे मतलब इंडिया में हम देखते हैं कि विलेज में जो एक माहौल बनाया होता है, तो जैसे लोग रहते हैं भैंसों का दूध निकालते हैं और जैसे भक्ति में मतलब रहते हैं हमेशा, तो वैसा ही यहाँ पे भी ना इसको देखो, और इतना खूबसूरत विलेज था यार, है ना, इतना साफ सुथरा और इतना प्यारा, बहुत ज्यादा सुकून होता है ना एक चीज में, बहुत ज्यादा फील हो रहा था इस जगह पे, जैसे लोग बहुत ज्यादा ना सुख शांति से रह रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब धर्म को होता है ना अगेंस्ट बोलने वाला कोई भी इस विलेज में मौजूद नहीं है, और सब लोग जो है ना मतलब हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करने वाले हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको मतलब होता है ना एक अलग एरिया में बना के रह रहे हैं, और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि हाँ भाई यहाँ पे हम जैसे ही सब लोग रह रहे हैं, तो वैसा वहाँ पे ना है सिस्टम। अगर कभी अमेरिका जाने का मिला तो सच्ची में ये जरूर विलेज देखना चाहूंगी कि कैसा वृंदावन, वहां पे ना वृंदावन, न्यू वृंदावन के नाम से एक विलेज है अमेरिका में, न्यू जर्सी में शायद बोल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देख के। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पहले पता था या नहीं था पता फिर भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।